हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। दोस्तों यार, यहाँ पे बजाज वालों के भाई दिमाग में मतलब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। एक तो इन्होंने भाई RS 200 NS 200 में अपनी कोई काम नहीं किया। पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कलर ऑप्शन में चेंज किया है जस्ट। लेकिन भाई यहाँ पे अब फिर से इनकी तरफ से प्राइस इंक्रीज कर दिया गया। ये मतलब क्या लॉजिक चल रहा है मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा यार। जब तक आप बजाज बाइक्स में काम नहीं करोगे, बाइक में कुछ चेंजेस नहीं लाओगे, इन्होंने RS 200 में ना कोई ढंग का कलर ऑप्शन दिया, ना कोई कस्टमाइज किया, ना कोई स्पीडोमीटर नया दिया, ना LED लाइट दी, कुछ भी चेंज नहीं किया अगर आप लोग देखेंगे। लेकिन प्राइस ये पे प्राइस पे प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइस पे प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये लॉजिक भाई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, RS 200 और बजाज की सभी बाइक्स में एक बार फिर से बजाज की तरफ से जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया गया है। अब दोस्तों इसका क्या प्राइस हो रहा है आज की इस वीडियो में, यही बात करने वाले। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, RS 200 पहले एक्सरूम प्राइस आ रही थी लगभग 1,68,900 रुपीज, 1,68,900 रुपए के आसपास की है आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों अब इसके एक्सरूम प्राइस के बारे में बात करें तो वो हो गया अराउंड 1,70,000, 1,70,000 रुपए के आसपास की अब ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात करें दोस्तों इस बाइक के अगर चेंजेस के बारे में, मतलब प्राइस डिफरेंस के बारे में, तो अराउंड 1,100 रुपीज, 1,100 रुपए के आसपास का जो बाइक प्राइस है वो बढ़ा दिया गया बजाज की तरफ से। यार चलो इसमें तो 1,100 रुपए बढ़ाया गया, डोमिनार 250 में तो इन्होंने हद कर दी, एक बार में 6,500 रुपए, जी हाँ 6,500 रुपीज इस बाइक का प्राइस बढ़ाया गया। तो भाई ये तो हद ही हो गई। अब सोच लो डोमिनार 250 भाई सीधे 6,500 रुपए महंगी हो चुकी है। ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो RS 200 पहले 1,94,000, 1,94,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस आती थी। लेकिन दोस्तों अब इस बाइक का ऑन रोड प्राइस हो गया अराउंड 1,96,000, 1,96,000 रुपए के आसपास की अब आप लोगों को RS 200 ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। तो सीधा सीधा जो प्राइस है गाइस, अराउंड 2,000 रुपए के आसपास का जो इंक्रीज हो जाएगा ऑन रोड प्राइस में। अब भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोगों को लगता है ये चीज सही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई बजाज ने अपनी बाइक्स में कोई काम नहीं किया, ना तो कोई कस्टमाइज चेंज हुआ है, ना तो बाइक में कोई नई चीज इन्होंने लाने की कोशिश की, कोई भी ऐसे कोई काम नहीं किया गया। लेकिन प्राइस पे प्राइस प्राइस पे प्राइस प्राइस पे प्राइस बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई ये क्या हो रहा है। बजाज को ये चीज थोड़ा सा समझना चाहिए यार। बाकी आप जो हो बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।